So today we will see about worship in three modes. तो प्रकृति का तीन गुण क्या होता है वो हम लोग देखेंगे. द थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर. तो तीन गुण, द थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर आर द मोड ऑफ गुडनेस सत्व गुण, द मोड ऑफ पैशन और रजोगुण, एंड द मोड ऑफ इग्नोरेंस द तमोगुण. सो दीज थ्री मोड्स द एंटायर वर्ल्ड, दिस एंटायर मेटेरियल वर्ल्ड इज डांसिंग अंडर दीज थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, द मोड ऑफ गुडनेस, द मोड ऑफ पैशन एंड द मोड ऑफ इग्नोरेंस. सो यू विल सी हाउ दीज मोड्स आर एक्टिंग. सो हियर यू कैन सी इन दिस स्लाइड दैट द थ्री मोड्स, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दीज मोड्स, and everything is described according to the Bhagavad Gita. So mode of goodness, there is a sense of happiness, satisfaction, knowledge and superiority. In mode of goodness, one can know the things as it is. It is illuminating in the sense that it is it illuminates the gates of the body with knowledge. इट फ्रीज वन फ्रॉम सिंफुल रिएक्शंस. तो जो मोड ऑफ गुडनेस में होता है, जो सत्व गुण में होता है, तो वो पाप से दूर रहता है, पुण्य कार्य करता है. मेनली मोड ऑफ गुडनेस का व्यक्ति तो मृत्यु के बाद वो हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स में जाता है. हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स है स्वर्गलोक और उससे भी हायर प्लैनेट्स, जनलोक, तपोलोक, ये सब लोग. तो वो प्योर लाइफ लीड करता है और वो ही कैन सी द थिंग्स एज दे आर. चीजें को अपना प्रॉपर पर्सपेक्टिव में वो देख पाता है. सो ये है मोड ऑफ गुडनेस. मोड ऑफ पैशन क्या होता है? अटैचमेंट टू फ्रुइटिव एक्टिविटीज. सेंस एंजॉयमेंट के लिए वो बहुत ज्यादा अटैच रहता है उसमें. संग एंड तृष्णा. सो ही इज वेरी मच अटैच्ड टू मेटेरियल थिंग्स एंड ही इज कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रीड. देयर इज ट्रिमेंडस ग्रीड फॉर मेटेरियल रिजल्ट्स. Intense, unlimited desires and longings. बहुत strong उसका material desire. इस material world में भोग करने का इच्छा रहता है उसमें. तो ये है mode of passion. तो mode of passion में जो आदमी है वो मृत्यु के बाद इस earthly planet में ही फिर से जन्म लेता है. सो वो बहुत मिजरेबल रहता है, दुख में रहता है, क्योंकि मटेरियल प्राप्ति, मटेरियल भोग, विलास, ये सब चीज तो आत्मा को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है ना. सो दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज मिजरेबल. इग्नोरेंस, जो इग्नोरेंस में रहता है वो मैडनेस, लेजीनेस एंड स्लीप. देयर इज मैडनेस इन दैट पर्सन. वो क्या करता है वो खुद ही नहीं जानता है. लेजीनेस, बहुत ज्यादा लेजीनेस है, और आलस्य और स्लीप, दैट मींस निद्रा, बहुत ज्यादा सोता रहता है. ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ इनर्शिया. ही इज इन द मोड ऑफ डार्कनेस. चीजें को सही पर्सपेक्टिव में वो देख नहीं पाता है. तो ऐसा व्यक्ति मृत्यु के बाद वो लोअर स्पीसीज में जन्म लेता है, लोअर लाइफ फॉर्म्स, एनिमल स्पीसीज में जन्म लेता है, या फिर पेड़ पौधा का स्पीसीज में जन्म लेता है. ही इज फुलिश पर्सन एक्चुअली. ही इज फुलिश, द मोड ऑफ इग्नोरेंस पर्सन. तो अभी हम लोग देखेंगे कि हाउ
डिफरेंट फूड इज इन डिफरेंट मोड्स, फूड इन मोड ऑफ इग्नोरेंस, यता यात यामं गत रसं भूति पर्युषितं चयत् उच्छिष्टं अपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियं. फूड प्रिपेयर्ड मोर देन 3 आवर्स बिफोर बीइंग ईटन, फूड दैट इज टेस्टलेस डिकम्पोज्ड एंड प्यूट्रिड एंड फूड कंसिस्टिंग ऑफ रेमिनेंट्स एंड अनटचेबल थिंग्स इज डियर टू दोज इन द मोड ऑफ डार्कनेस. तो जो सड़ा गला हुआ खाना है, लोग आजकल जो मांस भी खा रहा है वो बहुत सारा टाइम पे वो सड़ा मांस रहता है, तो ये तमोगुण का खाद्य है, ये तमोगुण. सो दिस इज तमोगुण. नाउ मोड ऑफ पैशन, फूड इन द मोड ऑफ पैशन, काट्व अमल लवणाति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहार राजसस्येष्ठ दुख शोकामय प्रदा. फूड्स दैट आर टू बिटर, टू सावर, सॉल्टी, हॉट, पंजेंट, ड्राई एंड बर्निंग आर डियर टू दोज इन द मोड ऑफ पैशन. सच फूड्स कॉज डिस्ट्रेस, मिजरी एंड डिजीज. तो रजोगुण का खाना क्या है, जो बहुत ज्यादा टू मच बिटर और टू मच सावर और सॉल्टी, और बहुत ज्यादा तीखा है, बहुत ज्यादा सॉल्टी है, बहुत ज्यादा गर्म है मान लीजिए, तो ऐसा ऐसा आहार, तो ये मोड ऑफ पैशन, मतलब कि रजोगुण में ये खाना होता है. एंड फूड इन द मोड ऑफ गुडनेस, तो मोड ऑफ गुडनेस का जो आहार है वो कैसा है देखते हैं. आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा रिद्या आहारा सात्विक प्रिया. फूड्स डियर टू दोज इन द मोड ऑफ गुडनेस इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, प्यूरिफाई वंस एग्जिस्टेंस एंड गिव स्ट्रेंथ हेल्थ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन. Such foods are juicy, fatty, wholesome and pleasing to the heart. Okay. तो मोड ऑफ गुडनेस मतलब कि सत्व गुण में जो आहार है वो बैलेंस्ड डाइट रहता है वो. और वो मेनली जो डिफरेंट टाइप्स का जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स है वो मोड ऑफ गुडनेस में होता है. सो हम लोग का आहार ये तीन मोड में, तीन गुण में हो सकता है. अब हम लोग का जो ड्रेस है, मोड ऑफ गुडनेस का भी एक ड्रेस है, प्रॉपर डिसेंट ड्रेस आप लोग देख सकते हैं छवि में. ड्रेस इन द मोड ऑफ पैशन, दोज विच इज मीट फॉर अट्रैक्टिंग द अपोजिट सेक्स, अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने के लिए जो ड्रेस पहना जाता है मोड ऑफ पैशन में होता है, क्योंकि मोड ऑफ पैशन का व्यक्ति he is very much trying to impress the opposite sex. और जो मतलब कि जो नहाता नहीं है बहुत दिन से और कपड़ा नहीं धोता है तो वो मोड ऑफ इग्नोरेंस का ड्रेस होता है. दैट ड्रेस इज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, बहुत ज्यादा बांस मार रहा है शरीर से, दुर्गंध मार रहा है शरीर से, तो दैट इज द ड्रेस इन द मोड ऑफ गुडनेस. एंटरटेनमेंट भी तीन मोड में है, मोड ऑफ गुडनेस का भी एंटरटेनमेंट है जो शास्त्र से, रामायण महाभारत वेद भगवत गीता ये सब शास्त्रों से जो सीरियल्स दिखाया जाता है एंटरटेनमेंट होता है, तो मोड ऑफ गुडनेस में होता है. जो मोड ऑफ पैशन में वो बहुत ज्यादा एक्शन मूवीज, तो ये सब मोड ऑफ पैशन में होता है, वायलेंस. तो और इग्नोरेंस में, मोड ऑफ इग्नोरेंस में जो एंटरटेनमेंट है सो इज देखिए भूत प्रेत का बहुत ज्यादा काल्पनिक कहानियां, सो मोड ऑफ इग्नोरेंस का एंटरटेनमेंट होता है ये. सिमिलरली किताब भी मोड ऑफ गुडनेस का होता है, मोड ऑफ पैशन का भी होता है, मोड ऑफ इग्नोरेंस का भी होता है. मोड ऑफ बुक गुडनेस का जो बुक्स है तो वो कैसा टाइप का बुक्स, जो जो आपका नॉवेल्स हुआ जो अच्छा कुछ संस्कार सिखाए, कुछ अच्छा वैल्यूज सिखाए, वो बुक्स इन द मोड ऑफ गुडनेस है वो.
बुक्स इन द मोड ऑफ पैशन विच इग्नाइट्स द डिजायर फॉर अपोजिट सेक्स इन द हार्ट, दोज काइंड्स ऑफ बुक्स आर इन द मोड ऑफ पैशन. एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस जो बहुत ज्यादा मतलब काल्पनिक चीजें, भूत प्रेत का चीजें, इस टाइप का चीजें, तो ये भी मोड ऑफ गुड, ये मोड ऑफ इग्नोरेंस का बुक्स है ये. सिमिलरली वर्शिप, पूजा, भगवान श्री कृष्ण का पूजा या विष्णु का पूजा, ये मोड ऑफ गुडनेस में होता है. भगवान का पूजा, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पूजा, ये मोड ऑफ गुडनेस में होता है. मोड ऑफ पैशन में भी पूजा होता है अपना लाभ प्राप्त करने के लिए, खुद खुद का सेंस एंजॉयमेंट पाने के लिए जो पूजा है वो मोड ऑफ पैशन का पूजा है. जैसे हिरण्यकशिपु वो ब्रह्मा का पूजा किया था अमर बनने के लिए, पूरा दुनिया का कंट्रोलर बनने के लिए हिरण्यकशिपु बहुत तपस्या किया था. किनको संतुष्ट करने के लिए? ना ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए. तो ये खुद का सेंस एंजॉयमेंट का इच्छा, खुद का कंट्रोलरशिप का इच्छा लेके हिरण्यकशिपु जो बहुत बड़ा दानव था वो तपस्या किया था ब्रह्मा जी का पूजा करने, ब्रह्मा जी को सेटिस्फाई करने के लिए. तो ये मोड ऑफ पैशन का ये वर्शिप हुआ. और मोड ऑफ इग्नोरेंस का भी वर्शिप है, तांत्रिक बाबा जितना होता है वो लोग का ये मोड ऑफ इग्नोरेंस का वर्शिप है. तो भूत प्रेत को वो लोग ये आह्वान करता है, हाँ भूत प्रेत को पूजा करता है वो लोग, हाँ. तो ये हो गया मोड ऑफ इग्नोरेंस का पूजा. उसमें पांच प्रकार के ऑफरिंग दिया जाता है, पांच प्रकार के उसमें पांच प्रकार का आइटम से पूजा होता है. मत्स्य, मूरा, मांस, मदिरा, मैथुन, ये सब चीजों से पूजा होता है. मोड ऑफ इग्नोरेंस का पूजा है ये, तमोगुणी पूजा. तो हम लोग अपना जो लविंग प्रोपेंसिटी है वो किनके प्रति चैनलाइज करना चाहिए? वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति चैनलाइज करना चाहिए, तब जाके एक्चुअली हम लोग हैप्पी होंगे. सो हर किसी में ये लविंग प्रोपेंसिटी है और सर्विंग का भी प्रोपेंसिटी है. एवरीवन इज सर्विंग समवन और द अदर. हाँ, प्राइम मिनिस्टर भी देश का जनता को सर्विस कर रहा है, हाँ, दुकानदार भी कस्टमर को सर्विस कर रहा है, और यहाँ पे देखिए एक आदमी कुत्ता को सर्विस कर रहा है, अपना कुत्ता को सर्विस कर रहा है. सर्विस सबको करना है, लेकिन हम लोग अगर ये लविंग प्रोपेंसिटी या सर्विस प्रोपेंसिटी जो है वो हम लोग अगर भगवान के प्रति डायरेक्ट करेंगे, कृष्ण के प्रति डायरेक्ट करेंगे, तो हम लोग एक्चुअली सेटिस्फाई हो पाएंगे. सो कृष्ण भगवान को प्रेम करना बहुत सिंपल है. सिंपली हम लोगों को एबीसीडी फॉर्मूला फॉलो करना है. हाँ, एबीसीडी फॉर्मूला क्या है? एसोसिएशन, ए फॉर एसोसिएशन. हम लोगों को भगवान का भक्त को भक्त का संग करना चाहिए. बी है बुक्स, भगवान का जो फिलोसफी है भगवत गीता श्रीमद् भागवतम से हम लोगों को सुनना चाहिए, जानना चाहिए. सी फॉर चैंटिंग, भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए. और डी डाइट, भगवान का भक्तों का संग में डाइट दैट इज कृष्ण प्रसाद ये पाना चाहिए. तो ये चार जो फॉर्मूला है, ये चार एबीसीडी फॉर्मूला फॉलो करते रहेंगे तो हम लोग का लाइफ में सक्सेस मिलना ही मिलना है, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल सक्सेस. एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग एंड डाइट. सो दिस इज द एबीसीडी फॉर्मूला. सो हियर आई एम एंडिंग दिस टॉपिक. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. थैंक यू वेरी मच.